आइए सीखते हैं आज के सेशन में हम डेस्कटॉप पर विदाउट नेम फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। तो जब हमें बिना नाम का कोई फोल्डर बनाना होता है तो सर्वप्रथम हम डेस्कटॉप पर माउस का दाहिना बटन क्लिक करते हैं। जो ही हम माउस का दाहिना बटन क्लिक करेंगे एक पॉप डाउन मेनू दिखाई देगी जिसमें न्यू ऑप्शन पर जब कर्सर को ओवर करते हैं तो फिर इसके कुछ उप विकल्प शो करते हैं जिसमें हम फोल्डर को क्लिक करते हैं। हमने देखा जो ही हम फोल्डर को क्लिक किए एक यहाँ फोल्डर शो करने लगा। अब हम कीबोर्ड में आल्ट की को प्रेस करके कीबोर्ड के नम पैड वाले भाग में 0160 प्रेस करते हैं और हम देखते हैं बिना नाम का एक फोल्डर हमारे डेस्कटॉप पे शो करने लगा। हमें फिर एक फोल्डर की ज़रूरत है जिसका हम कोई नाम नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर उसी तरह से हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और Alt+255 प्रेस करेंगे। हमने देखा एक और फोल्डर हमारे डेस्कटॉप पे तैयार हो गया। अब सपोज दैट एक और स्टेप हमें जानना है जहाँ से हम किसी फोल्डर को बिना नेम कैसे डेस्कटॉप पे शो करा सकते हैं, तो इसके लिए फिर हम एक फोल्डर बनाते हैं और कीबोर्ड के नम पैड पे 9x9 को प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है, लेकिन नहीं शो कर रहा है, यानी कि हमें इसको भी आल्ट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रेस करना है। हमने देखा कि फिर एक हमारा फोल्डर बिना नाम का डेस्कटॉप पर शो कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप भली बात इस सेटिंग को सीखेंगे और हम तब तक के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।